नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। और चलिए वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं जनता के मुद्दे की। और अब बात करेंगे हम बारां जिले की, जहां पर खस्ताहाल स्कूलों में बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। जर्जर बिल्डिंगों से हमेशा हादसे का अंदेशा बना रहता है। बारां जिले में प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अधीन 1280 सरकारी स्कूल हैं। जिले में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के अधीन करीब 500 से अधिक सरकारी स्कूल क्षतिग्रस्त हैं। इनमें कई भवन 30 साल पुराने हैं, जिनकी दीवारों से प्लास्टर गिरता रहता है। बारिश में छतों से पानी टपकता है, ऐसे में छात्र छात्राओं को मंदिर या बरामदे में पढ़ना पड़ता है। कई स्कूलों का फर्श पूरी तरह टूट चुका है और साथ ही भवन की दीवारें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, स्कूल कहें या खंडर इसे कहें, क्योंकि जर्जर भवन की हालत ऐसे है कि ये भवन कभी भी गिर सकता है, हादसा यहाँ पर आ सकता है। जान जोखिम में डालकर यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बरामदे में बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल भवन की दीवारें भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। की हालत खस्ता हाल है, जर्जर बिल्डिंगों में कई स्कूल चल रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बिल्डिंग है जो पूरी तरह से जर्जर है। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, जिसकी हालत ऐसी है कि कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी बच्चों के साथ कुछ हो सकता है। बरसात के दौरों में ज़्यादा खतरा यहाँ पर होता है। एक दूसरी बिल्डिंग इसी विद्यालय की बिल्डिंग है, जिसमें दो कमरे बने हुए और 5 कक्षाएं इसमें चलती हैं, 5वीं तक का विद्यालय। हमारे साथ में जो यहाँ की प्राचार्य वो मैडम है। हम इनसे, मैडम कितने बच्चे हैं और कितने स्टाफ हैं यहाँ का? कुल नामांकन 110 है, 110 ही बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। टीचर कितने हैं? टीचर मैं अकेली सिंगल टीचर हूँ, पिछले 2019 से। पोशाक वगैरह में दिक्कत आती है? हाँ, पोशाक वगैरह में तो सभी काम में दिक्कत आती है। डाक भी बनाने पड़ते हैं, बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है, और इसके अलावा बहुत सारे कार्य हैं, जैसे हाउस होल्ड सर्वे हैं, पोशाक को खिलाना है, बच्चों को किताबें बांटना है, और इसके साथ ही मैं BLO भी हूँ, तो BLO का भी सभी कार्य करना पड़ता है। जी बिल्कुल, ऐसे जर्जर बिल्डिंग है, डर लगता है बच्चों को। बरसात में क्या दिक्कत आती है यहाँ पे? बरसात में अगर ज़्यादा पानी भर जाता है तो फिर बच्चों को छोड़ना पड़ता है, छुट्टी करनी पड़ती है उनकी। ग्राउंड पानी भर जाता है इसमें? हाँ, ग्राउंड में तो कमी पड़ता है। स्कूल इसमें जर्जर बने हुए? हाँ, जो नवीन भवन है वो पूरी तरह से जर्जर, और उसकी छतें पूरी तरह से टपकती है, पूरी बिल्डिंग में सीम भर जाती है, और इसमें बच्चों को बिठाने में बहुत ही खतरा है। और आंगनबाड़ी केंद्र भी अपना इसी में चलता है, और आंगनबाड़ी केंद्र में भी 100 से ऊपर का नामांकन है। जी बिल्कुल, किस तरह बारां के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनकी हालत देख सकते हैं कि जर्जर हालत में बच्चे इसमें पढ़ते हैं, जान जोखिम में डाल के बच्चे बैठ रहते हैं, स्टाफ की कमी है। एक जो कि प्राचार्य का काम भी करती हैं, और इसके अलावा 5 कक्षाओं का ये संचालन करती हैं, दूसरे कार्य भी होते हैं, पोशाक व्यवस्था करते हैं, उसके बाद में भी स्कूल संचालन कर रहे हैं। राम मेहता, जी मीडिया, बारां। और बात कर लेते हैं जनता के मुद्दे में जैसलमेर की। जैसलमेर जिले के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। शिक्षा विभाग भी बेहतर शिक्षा व्यवस्थाओं के प्रयासों के दावे कर रहा है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। चैनपुरा में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को बारिश के मौसम में बाहर बैठकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। इसका एकमात्र कारण ये कि शिक्षा विभाग के अधिकारी बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। स्कूल की बिल्डिंग में 10 कमरों में से 8 कमरों की स्थिति बेहद खराब है। एहतियात के तौर पर स्कूल प्रबंधन ने वो पूरा क्षेत्र बंद कर दिया, सिर्फ 2 कमरे ठीक ठाक स्थिति में है। एक कमरे में पढ़ाई होती है और एक में बनता है पोषाहार, यानी कि खाना। ऐसे में 8वीं तक के स्कूल होने के बावजूद भी सभी स्कूल खुले आसमान में संचालित होते हैं। जिला जैसलमेर जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, परंतु बात करें राजस्थान सरकार की जो शिक्षा को लेकर कितनी गंभीर है, उसका उदाहरण जैसलमेर के शहर स्थित एक स्कूल का देखने को मिला है। ये जैसलमेर की सरकारी स्कूल है, जिसमें मात्र 8 कमरे हैं, और वो 8 कमरे पिछले 5 साल से जर्जर हालात में है। 8वीं तक की स्कूल में 200 से अधिक बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन के हालात हैं, दरवाजे और अन्य जो बैठने की स्थिति ऐसी है कि किसी भी समय हादसा हो सकता है, क्योंकि बरसाती मौसम है। और स्कूल प्रशासन ने भी कई बार विभाग को अवगत कराने के बावजूद भी ये हालात है कि ये जो कमरे हैं, 8 कमरों में से मात्र 1 कमरा ही सुरक्षित है, बाकी सभी जर्जर हालात में है, जिसके कारण सभी बच्चों को बाहर पेड़ के नीचे या यूं कहें कि गर्मी के अंदर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, और इस गर्मी के हालात में। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब शिक्षा विभाग इतने बड़े दावे करता है कि हमने राजस्थान सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर है,
परंतु धरातल पर क्या है ये अपने आप में सबसे बड़ी बयां करती है। इसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि शिक्षा के को जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बढ़ावा देने वाली बात है जो अध्यापकों की कमी, क्योंकि जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा अध्यापकों की कमी है, कहीं 300 विद्यार्थियों पर मात्र एक ही अध्यापक होता है। इस विभाग को भी कई बार लिखित में दे चुके हैं, कई बार सरकार को ज्ञापन भी दे चुके हैं, परंतु विभाग का इस प्रति कोई ध्यान नहीं है, जिससे साफ तौर से जाहिर होता है कि राजस्थान सरकार की जो शिक्षा को लेकर मंशा है वो कितनी धरातल पर प्रभावी हो रही है, ये सबसे बड़ी बात होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि शिक्षा विभाग क्या आखिर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या उससे पहले सुध लेगा। शंकरदान, जी मीडिया, जैसलमेर। और अब देख लीजिए आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले की तस्वीरें, जहां पर सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर हो चुके हैं। विभागीय लापरवाही करके देश का भविष्य कहे जाने वाले नौनिहाल अपना जीवन संकट में डालकर इन जर्जर भवनों में पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। कुछ ऐसे हालात हैं डूंगरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल सूरपुर के, जहां पर स्कूल का भवन लंबे समय से जर्जर है। बच्चे अपना जीवन दांव पर लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कई विद्यालय ऐसे हैं जो कि असुरक्षित हैं, जहां पर बच्चों को बैठाकर पढ़ाना उनके जीवन से खेलना जैसा कुछ डूंगरपुर जिले में हो रहा है। डूंगरपुर जिले के कई स्कूलों के हालात ऐसे हैं कि जो स्कूलों के भवन हैं, जो कक्षा कक्ष हैं, वह जर्जर हो चुके हैं, जहाँ पर बच्चों को बैठाया नहीं जा सकता और वैकल्पिक रूप के इंतजाम करते हुए शिक्षण व्यवस्था चलाई जा रही है। अभी हम आए हुए हैं डूंगरपुर ब्लॉक के जो सुरपुर स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरपुर, वहाँ आए हुए हैं। कुछ ऐसे ही हालात सुरपुर स्कूल के भी है। आप दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार की जो भवन है जो स्कूल का, वो जर्जर हो चुका है। यहाँ पर कुल 13 कक्षा कक्ष हैं, जिसमें से 5 कक्षा कक्षों को नकारा घोषित कर दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से। वर्तमान में 2 से 4 कक्ष ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को बैठकर पढ़ाया जा रहा है। कुल 1 से 12वीं कक्षा तक यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कक्षा कक्ष जो 4 ऐसे हैं जहाँ पर व्यवस्थाएं हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं कि इसके हालात भी कि यहाँ बच्चों को बैठा कर पढ़ाना कितना खतरे से खाली साबित नहीं होगा। हमारे साथ में जो सुरपुर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ में हैं, उनसे पूछते हैं किस प्रकार के हालात इस स्कूल के हैं। सर, किस प्रकार की व्यवस्था और हालात इस स्कूल के? सर, इस विद्यालय के हालात तो मुख्यालय के इतने नज़दीक होने के बावजूद भी बहुत ही ख़राब हैं। पिछले 4 वर्षों से मेरे आने से पूर्व जो संस्था प्रधान थे और जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य थे, उन्होंने इस विद्यालय भवन के लिए बजट स्वीकृति के लिए काफ़ी प्रयास किए। कई बार विभाग को लिख के भी दिया है, TAD विभाग को भी लिख के दिया गया, TAD मंत्री महोदय यहाँ पधारे थे, उनको भी ज्ञापन वगैरह दिया गया, सभी के द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक किसी प्रकार का बजट प्राप्त हुआ वो ऐसी विद्यालय को सूचना नहीं है। कुछ ऐसा ही हालात डूंगरपुर जिले के अन्य स्कूलों में भी है, जहाँ भी स्कूलों के भवन और कक्षा कक्ष जर्जर हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था या अन्य कक्षा कक्ष नहीं होने के कारण बच्चों को इन खतरे के साहे में बैठाकर पढ़ाना विद्यालय प्रशासन की मजबूरी बना हुआ है। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर। तो कैसे सुधरेगा नौनिहालों का भविष्य, जो कि जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं स्कूलों में, और स्कूल कहिए या इन्हें जर्जर भवन कहिए, क्योंकि कभी भी अगर ये गिरे तो हादसा सामने आएगा। अब सवाल ये भी है कि कब जागेगा शिक्षा विभाग, और सवाल ये भी कि क्या शिक्षा विभाग जो है किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। ये तमाम सवाल हम पूछेंगे अपने सहयोगियों से, जवाब हमें देंगे। आपको बता दें 12 से राम मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डूंगरपुर से अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अखिलेश, मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी मैंने आपकी रिपोर्ट देखी थी, आपने तस्वीरें दिखाई हैं स्कूलों की, और ये कहा जा रहा है, कई बार नोटिस दिया जा चुका है कि भाई ऐसे ऐसे हालत हो चुकी है स्कूलों की और बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कैसे सुधरेगा भविष्य नौनिहालों का, और अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, बताना चाहूंगा कि प्रदेश का जो आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिला है, उसके अधिकतर स्कूलों के ऐसे ही हालात है। जबकि जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के अंदर काफी बजट STSP क्षेत्र के विकास के लिए आता है, उसके बावजूद अगर इस प्रकार के हालात स्कूलों के हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस बजट का कहाँ उपयोग हो रहा है। डूंगरपुर जिले की जो आपने रिपोर्ट अभी देखी, वो सुरपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय की, जो कि शहर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। डूंगरपुर मुख्यालय से इतनी कम दूरी होने के बावजूद भी वहाँ के हालात ऐसे हैं कि वहाँ बच्चों को बैठकर पढ़ा जाना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ के जो स्टाफ हैं, जो ग्रामीण हैं, उन्होंने शासन से लेकर प्रशासन तक गुहार लगाई इस चीज़ की कि बच्चों को वहाँ बैठकर पढ़ा जाना बड़ा मुश्किल है। खासकर बारिश के दौरान तो मजबूरी में बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है, उनको घर भेजना पड़ता है।
कई बार जो ज्ञापन है, परिवेदनाएं हैं, वो जिला कलेक्टर हो चाहे मंत्री हो, डीएडी मंत्री तक को भी इसके ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से सुनवाई नहीं की गई। डूंगरपुर जिले में सुरपुर स्कूल नहीं, इसके अलावा भी कई स्कूल ऐसे हैं जहां इस तरह के भवन है स्कूलों के, वो है कक्षा कक्ष भी जर्जर है। हाल ही में कुछ दिन पहले बिछवाड़ा क्षेत्र में स्कूल का जो कक्षा कक्ष का प्लास्टर है वो गिर भी गया था चलती हुई कक्षा के दौरान, इसका दो छात्रों को चोट भी आई थी। और सावला क्षेत्र में एक स्कूल का जो बरामदे है उसके जो प्लास्टर गिर गया था, लेकिन बाल बाल बच्चे उसके अंदर बच गए। तो कुल मिला के जो सरकारी स्कूल है उनके हालात डूंगरपुर में काफी खराब है। जो डूंगरपुर के जिला कलेक्टर हैं जो डॉक्टर इंद्रजीत यादव, उन्होंने जब इस बात उनके सामने आई थी, उन्होंने एक सर्वे जो है वो शिक्षा विभाग के माध्यम से करवाया भी था कि डूंगरपुर जिले में ऐसे कितने स्कूल हैं या कक्षा कक्ष हैं जिनकी स्थिति जर्जर बनी हुई है। तो जो समसा जो है उसके द्वारा ये सर्वे करवाया था, उसकी जो रिपोर्ट हमारे को प्राप्त हुई उसमें 12,767 जो कक्षा कक्ष है उनका जो सर्वे समसा की ओर से कराया गया था, उसमें करीब 3,545 ऐसे जो कक्षा कक्ष थे जिनके जो जर्जर है, और करीब 1,040 जो कक्षा कक्ष है उनमें मतलब जर्जर होने के बावजूद भी वहां पर कक्षाओं का संचालन किया जा रहा। तो आप देख सकते हैं कितनी लापरवाही शिक्षा विभाग की ओर से बरती जा रही है कि जो कक्षा कक्ष जर्जर है, जिसको विभाग जर्जर मान चुका है, नकारा घोषित कर चुका है, उसके बावजूद भी कक्षा कक्षों की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों का जीवन को जोखिम में डालते हो वहां पर अध्ययन करवाया जा रहा है। जी आंकड़े आपने अखिलेश यहां पर पेश किए हैं और आपने बजट का भी यहां पर जिक्र किया है, बजट को लेकर सवाल आपसे मेरा रहेगा, मैं लौटूंगी आपके पास। बारह से राम मेहता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राम, मैं आपके पास आ रही हूं। लगातार अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम देख रहे हैं राम, और हाल साफ तौर पर यह बयां कर रहे हैं कि हादसा कभी भी सामने आ सकता है। ऐसे में विभाग क्या कर रहा है इस मामले पर, इंतजार कर रहा है कि हादसा सामने है तभी हम कुछ एक्शन लें? बिल्कुल, कई बार हादसे भी हो चुके हैं, जर्जर भवनों में विद्यालय चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, और जर्जर स्थिति में कभी भी हादसा हो सकता है। बरसात के दौरान सबसे अधिक संभावना होती है। 12 तस्वीरों में आपने देखा भी इस तरह की जर्जर बिल्डिंग है जिसका कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार शिक्षा विभाग है वो ध्यान नहीं देता, मरम्मत के नाम खानापूर्ति की जाती है और बच्चों की जान जोखिम में डाली जाती है। 12 जिले की बात करें तो 1200 विद्यालय, इसमें 300 माध्यमिक विद्यालय, इसमें 50% विद्यालय की हालत ऐसी है कि पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं, बरसात के दरों में छुट्टी करनी पड़ती है। मैं एक एक कक्षा को पांच कक्षाओं को एक एक शिक्षक संभाल रहा है, जिस स्कूल की तस्वीर देखी गई 12 की, जहाँ पर एक अध्यापिका जो की पांच कक्षाओं को संचालित करती है, इसके अलावा बहुत सारी व्यवस्था खुद करती है, ये लोग कार्य करती है, इसमें अन्य कार्य भी एक जो शिक्षक उसको करना पड़ता है। इसमें पढ़ाई का भविष्य अंधकार में बच्चों का बना हुआ, इसके अलावा भवन की तरफ से देखा जाए तो वहां भी जर्जर है। तो शिक्षा जिस स्तर से गिरती जा रही है ये देखने वाली बात है कि सरकार कब जागेगी और इनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो पाएगी। नहीं राम, सरकार तो करोड़ों का बजट पास करती है शिक्षा के लिए, सरकार तो पास करती है, हम देखते हैं करोड़ों का बजट पास होता है, लेकिन सवाल है कि करोड़ों रुपए जाते कहां पर है, क्योंकि हमें तो नहीं दिख रहे तस्वीरों में। अखिलेश, यही सवाल आपसे मेरा है, लौटूंगी आपके पास। राम, यही सवाल मेरा आपसे, आपने जिक्र भी किया था, जब इतने करोड़ों का बजट पास होता है तो अधिकारी करते क्या है उन पैसों का फिर? देखिए, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जो अलग से टीएसपी क्षेत्र के विकास के लिए बना हुआ है, करोड़ों का बजट केंद्र सरकार से इस क्षेत्र के लिए विकास के लिए प्राप्त होता है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जो स्थितियां हैं, चाहे वो स्कूलों की हो चाहे आंगनबाड़ी केंद्रों की है, सभी के हालात इस तरह से हैं कि वहां पर बजट नहीं होने के चक्कर में उन कक्षा कक्षों की या स्कूलों के भवनों की मरम्मत समय पर नहीं हो पाती। कई बार नए भवन की स्वीकृति तक मिल जाती है लेकिन बजट प्राप्त नहीं होना एक सबसे बड़ी समस्या है। हाल ही में जो मैंने जो सर्वे रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई थी उसमें विभाग की ओर से, समसा की ओर से करीब 72 स्कूलों का जो प्रस्ताव है वो विभाग को भेजा गया, करीब 3,25,00,000 का जो प्रस्ताव बना के भेजा गया है जो भवनों की मरम्मत के लिए। इसके अलावा जो जिला कलेक्टर ने जो सर्वे करवाया था उसमें 100 स्कूलों का चयन किया गया, जिसमें 3,87,00,000 का जो बजट का जो प्रस्ताव है वो टीएडी जो आयुक्त है उसको यहाँ से भिजवाया, उनको यहाँ से भिजवाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि कब बजट आएगा, कब टेंडर्स होंगे, कब भवन बनेंगे, इसमें करीब साल भी बीत जाए, 1.5 साल भी बीत जाए, लेकिन तब तक जो बच्चों की जो व्यवस्था है स्कूलों में वो ठीक नहीं है, कहीं कभी ना कभी इस तरह का हादसा पेश आ सकता है कि विभाग के लिए भी शर्मनाक चीज होगी और कई बच्चों की जान भी जा सकती है। बजट नहीं मिला है, ठीक है, महत्वपूर्ण कारण ये कि बजट नहीं मिला है, बजट नहीं मिला है तो निर्माण नहीं हो पा रहा है। राम, 12 में भी यही स्थिति बनी हुई है क्या, यही वजह सामने आ रही है कि बजट नहीं है? जी बिल्कुल, हालत इसी तरह की। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से एक समसा करके एक अलग से डिपार्टमेंट चलाया जाता है जहां पर निर्माण कार्य कराए जाते हैं, जो भी जर्जर बिल्डिंग होती है उनकी मरम्मत कराए जाते हैं, नए स्कूल बनाए जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से निर्माण कार्य होते हैं उतने जो पर्याप्त नहीं हो पाता और बच्चों वही की हालत जस के तस बने होते हैं, एक कमरा बनता है जब तक बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, तो ऐसे में खानापूर्ति
सामने नजर आती है कि जो निर्माण हुआ है वो सिर्फ खानापूर्ति रह गया और पूरे बच्चों को समुचित सुरक्षा नहीं मिल पा रही, उनको सुरक्षित जगह बैठने की व्यवस्था नहीं मिल पा रही, उनको अच्छी तरह से खेल मैदान नहीं मिल पा रहे, शिक्षकों की तो बजट की समस्या तो रहती है, लेकिन इस तरह जो बजट इतना कम होता है कि उसका पूरा मरम्मत कार्य नहीं करा पाते, नए भवन भी नहीं बन पा रहे। ये बताइए राम कि जब ठीक है बजट की समस्या है, हम समझ रहे हैं बजट की समस्या है इसलिए तमाम चीजें सामने आ रही है, कितने सालों से सिलसिला चल रहा है और जब ये दिक्कत आ रही है तो सरकार तक ये समस्या पहुंचाने के लिए लिखित तौर पर क्या कुछ दिया गया है अधिकारियों की ओर से, या जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है बस? बिल्कुल, जिस तरह से सरकार द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि उनको शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राइवेट स्कूल नहीं होते वहां पर सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि बच्चों का शिक्षा का स्तर सुधरे और इसके लिए पूरे स्कूल बनाए जाओ, पूरी व्यवस्थाओं के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन ढाके तीन पात नजर आते हैं, निर्माण कार्य होते हैं वो भी खानापूर्ति होते हैं और कुछ साल बाद ही बिल्डिंग जर्जर हो जाती है, पूरी जो गुणवत्ता होती है उसका ध्यान नहीं दिया जाता और चार पांच साल बाद में वो भवन भी जर्जर की हालत पहुंच जाता है, कई बार हादसे हो जाते हैं, बरसात दिनों में भवन गिर जाते हैं जिससे बच्चे इंजर्ड भी हुए कई जगह बारा जिले में, इसके अलावा कई जगह पर जो स्थिति ऐसी कि स्कूल कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी हादसा का रूप ले सकते हैं, बारा जिले में सबसे अधिक बरसात होती है और बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा संभावना बनी रहती है, शिक्षकों का भी कहना यह है कि जिससे ज्यादा बरसात होती है बच्चों को स्कूल से छुट्टी कर दी जाती है या बच्चों को इससे पहले ही बताई जाती है बरसात हो रही है आप स्कूल बता दो, ये हालत है तो सिर्फ एक तो शिक्षा का स्तर भी गिरने लग रहा है, वहीं पढ़ाई की व्यवस्था पूरी खराब होती जा रही है, भवन है नहीं इनके स्कूल के पढ़ाने के लिए और सरकार दावा करती है एक अच्छी शिक्षा मिले लेकिन किस तरह मिल पाएगी। और बिल्कुल तस्वीरें भी मैं देख पा रही हूँ, अलग अलग ये शहरों की तस्वीरें हैं जो कि हमारे सहयोगी ने पहुंचाई है और देखिए कैसे तस्वीरें हैं ये, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि अगर एक बार जोरदार मूसलाधार बारिश हुई तो स्कूल ढह जाएगा अखिलेश, और ये स्कूल ढहने से बच्चे यहीं पर खुदा ना खासा कोई हादसा यहाँ पर सामने आए। आप यहाँ पर बजट का जिक्र कर रहे हैं और यही सवाल मैंने राम से पूछा था कि क्या अगर जब भी दिक्कतें पेश आ रही है, बजट आपके पास नहीं है तो लिखित तौर पर आपने सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई या फिर आप सोच रहे हैं कि भाई जैसा चल रहा है चलाते रहो जब तक चल रहा है? देखिए वो कहना चाहूंगा कि आग लगे तभी कुआं खोदने वाली जो कहावत है वो चरित्रार्थ है डूंगरपुर में होती है, क्योंकि सब जानते हैं कि स्कूलों के भवन है ये कक्षा कक्षा जर्जर है, लेकिन बारिश का जब मौसम आता है तब इस शिकायतों का दौर, इस परेशानियों का दौर निकल के आता है, जबकि जो ग्रामीण है वो स्थानीय स्टाफ है वो लगातार हर साल इस चीज की शिकायतें विभाग को करता है कि स्कूल जो है वो जर्जर है या कक्षा का जर्जर है, कभी कोई हादसा हो सकता है, लेकिन विभाग जो उच्च अधिकारी है वो समय पर जिसकी जानकारी है वो सरकार बातचीत करी आपने उच्च अधिकारियों की, उच्च अधिकारियों का आप जिक्र कर रहे हैं अखिलेश, उनसे बातचीत करी आपने क्या कह रहे हैं वो? देखिए मनी हम इस चीज को पहले भी कई बार चला चुके हैं कि जो परेशानियां हैं डूंगरपुर जिले में जर्जर स्कूलों को लेकर, उसमें बात सिर्फ यही आती है कि यहाँ के स्थानीय अधिकारियों का काम जो शिकायतें आती है तकनीकी अधिकारी है वो उसका प्रस्ताव बनाकर आगे उच्च विभाग के उच्च अधिकारियों को या सरकार को भेजते हैं, लेकिन वहां से जो बजट का जो पारित होने का प्रस्ताव बजट स्वीकृत होने की जो समस्या आती है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बजट समय पर स्वीकृत नहीं होता है। अब बजट अगर स्वीकृत भी होता है तो फिर उस भवन को बनने में साल से डेढ़ साल का समय लगता है, फिर कहीं ना कहीं तकनीकी जो कमियां रहती हैं या कह सकते हैं गुणवत्ता युक्त जो भवन बनने चाहिए वो नहीं बन पाते, क्योंकि स्थिति ये भी आती है कि कुछ भवन ऐसे हैं जो तीन साल या चार साल पहले ही बने लेकिन उनकी छतें टपकना शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो गुणवत्ताहीन जो कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर वो भी दोषी है। बिल्कुल सही कहा आपने, महत्वपूर्ण जानकारी अखिलेश यहाँ पे आपने साझा की और राम आपने भी यहाँ पर साझा की और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया यहाँ पर। अब सवाल ये कि आखिर कैसे सुधरेगा नौनिहालों का भविष्य, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और सवाल अब ये बना रहेगा कि आखिर अधिकारी कब जागेंगे और क्या अधिकारी इंतजार कर रहे हैं।